आज आपके साथ 5 मिनट में बनने वाले ब्रेड से इस नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। जब भी आपको चटपटा सा कुछ टेस्टी खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होती है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना और बार बार बनाना चाहेंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। ब्रेड के इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे और उसमें 1 कप दही डाल देंगे। दही को कुछ देर के लिए छलनी में मैंने डालकर छोड़ दिया था और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसका अलग निकल चुका है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्च को इसमें बारीक कट करके डाल देंगे। 4 टेबल स्पून बेसन डाल देंगे और दही में सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें अगर लगता है तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बट देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स करते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है ना थोड़ा सा ये थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। 1 चम्मच तेल में मैंने आधा चम्मच राई को डालकर इसको हमने चटका लिया है और इस तड़के को भी इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होगा। सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल परफेक्ट है। बैटर इस तरीके का आपको लगता है कि ये थोड़ा सा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, या फिर आपको लगता है ये थोड़ा सा लूज़ हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इस बैटर को अच्छी तरीके से इसमें लपेट देंगे। ब्रेड को बैटर से अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे तो इसकी साइड्स को भी ना बैटर लगाकर अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। ब्रेड को इस तरीके से उठाते हुए ना इसकी किनारियों में भी बैटर को अच्छी तरीके से बैटर से कवर कर लेंगे। और ब्रेड को आपको इसमें डालकर नहीं छोड़ना है और इसको बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी में बना हुआ ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और ब्रेड को इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पे इसको हम धीरे धीरे सीकने देंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी और डाल दिया है तो कुछ देर बाद हम इसको इस तरीके से ना पलट देंगे। आप देख सकते हैं जब ये हल्का सा इसकी साइड आपको ब्राउन दिखाई देने लगे तो इसको धीरे से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी ना हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो इसको हल्का सा दबाते हुए सेकेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कलर आएगा और ये दही टोस्ट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होते हैं। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये उसमें भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया ये सीख कर तैयार हुआ है। तो इसको दोनों साइड से हमने अच्छी तरीके से सेक लिया है तो बाकी बच्चों को भी सेम तरीके से हम बना लेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे बैटर में और थोड़ा सा इसके ऊपर पैन में देसी घी डाल देंगे जिससे ये बहुत ही बढ़िया अच्छी तरीके से सीख जाएगा। तो एक साइड से सब सीख जाए उसके बाद इसको पलट देंगे और देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया इसमें कलर आया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाना आपने देखा इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी है। गर्मा गर्म ये दही टोस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गर्मा गर्म की आप प्लेटिंग कर लें, देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं और बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपने ये दही टोस्ट की रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं की है तो प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। तो आपको देखकर भी पता चल रहा होगा कि ये खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा और फैमिली में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी आप कब बना रहे हैं, आप सभी को कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। तो थोड़े से तिल डालकर इसके ऊपर मैंने इसको गार्निश किया है जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसको आपको मैं को काट कर दिखाऊं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला इतना ज़्यादा सॉफ्ट ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस दही टोस्ट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पास की ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।